उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा व प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव वन तथा अनीता देसाई प्रोफेसर एवं हेड न्यूरोबायोलॉजी निमहंस के साथ गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थित 100 बेड अस्पताल का निरीक्षण किया तथा वहां पर उपस्थित कर्मचारियों से अस्पताल के व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों को उपचार ठीक ढंग से किया जाए और सही समय पर किया जाए। कोई मरीज बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बिना इलाज के ना जाए, जिससे मेडिकल कॉलेज की छवि अच्छी बनी रहे। मुख्य सचिव ने प्रथम मेडिकल कॉलेज के एचडीयू वार्ड का निरीक्षण किया और साथ ही 100 बेड वाले विभाग सहित आईसीएमआर आरएमआरसी विभाग का निरीक्षण कर वहां के कार्यों के विषय में जानकारी ली तथा वहां पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जेईएस को जड़ से समाप्त करने के लिए आरएमआरसी के साथ मिलकर कार्य करें, जिससे कि बीमारी को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीएमओ डॉ आशुतोष कुमार दुबे, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, नगर आयुक्त विनाश कुमार सिंह, सीएम सीआरओ सुशील गौर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अधिकारी मौजूद रहे। Time.
आइए सर, थैंक यू सर। कोविड में हम लोग इतना काम किया है, आइए क्योंकि हमारा टाइम कम है। एनजीएस का यूनिवर्सिटी का ये हमारा अभी तक था नहीं यहाँ पर, तो ये पूरे ईस्टर्न यूपी में पहला जगह है जहाँ पे यूनिवर्सिटी सैंपल में वो देखते हैं कि वो वेरिएंट है। मोबाइल रिसर्चिंग लैब भी आ रही है, हमने कहा तुम्हें तुम्हारा याद करा था हमारी टीवी है।